उत्तराखंड सरकार द्वारा देशभर के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम सशर्त खोलने के प्रस्ताव को लेकर यहां पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का धन्यवाद किया है। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा की मंगल कामना के लिए शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा की बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के प्रारंभ किए जाने पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े सभी लोगों की आजीविका भी मजबूत हो पाएगी। सरकार द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड के चारधाम यात्रा हेतु प्रदेश से बाहर के आने वाले श्रद्धालुओं को भी कुछ शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की है, मैं सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इससे जहाँ हमारे इस लाइफ लाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा से अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा और स्थानीय तमाम चाहे परिवहन व्यवसायी होंगे, होटल व्यवसायी होंगे या अन्य जो भी तीर्थ पुरोहित या दूसरे लोग होंगे, उनको भी इससे बहुत लाभ होगा।